करिए। जब निष्पक्ष नहीं रहोगी तो सुनोगी, सब निष्पक्ष है। निष्पक्ष नहीं रहोगी तो सुनोगी, की जरूरत नहीं है अखिलेश प्रताप सिंह। निष्पक्ष नहीं रहोगी तो सुनोगी अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे लेक्चर की जरूरत नहीं है। बोलने नहीं दिया जा रहा है, सवाल खड़ा करके आप नहीं बच सकते। जब निष्पक्ष नहीं रहोगी तो सुनोगी, सब निष्पक्ष है। आपसे लेक्चर की जरूरत नहीं है अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह आपसे लेक्चर की जरूरत नहीं है। बोलने नहीं दिया जा रहा है, सवाल खड़ा करके आप नहीं बच सकते। मौके के इंतजार में है पश्चिम बंगाल, ये कहना है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का कहना है कि सिंडिकेट को चढ़ावा दिए बगैर पश्चिम बंगाल में कोई भी काम नहीं होता है। क्या आपको भी भ्रष्टाचार दिखता है ममता बनर्जी के बंगाल में? देखिए, तरस आती है हमें बीजेपी और बीजेपी के मुखिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे कि जो करीब 4.25 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन अपने सरकार की उपलब्धियों, अपने किए गए वादों, लोकसभा के पार्लियामेंट के अंदर लाए गए अपने बिलों पे, जो योजनाओं पे कभी बहस नहीं करते हैं, कभी उसका जिक्र नहीं करते हैं, कभी ये नहीं कहते हैं कि देश आज ये सुनना चाहता है, मित्रों देखो मैंने 15 लाख आपके खाते में डाल दिए ना, मित्रों देखो नौजवानों मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मैंने 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल दे दी कि नहीं दे दी, मैंने किसानों का उपज का 2.5 गुना कर दिया कि नहीं कर दिया, मैंने गंगा मैया को साफ कर दिया कि नहीं कर दिया, मैंने काशी को क्वेटो बना दिया कि नहीं बना दिया, डॉलर को मैं जमीन पे ले आया कि नहीं लाया, पेट्रोल का दाम मैंने एकदम नीचे कर दिया कि नहीं कर दिया, और बर्गर भी बना दिया, मैंने बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया, ढाबे वाले से बर्गर बना दिया है मैंने, सिकंजी से कोकोला बना दिया है मेरे भाई। ये भाषा देखिए, पीड़ित व्यक्ति बोला, ये पीड़ित बोला, लल्ला बोला, लल्ला ये देखिए, ये लल्ला बोला क्योंकि पीड़ित है ये, तो पूरा सुन नहीं सकता। देखिए पीड़ित व्यक्ति बोला, ये पीड़ित बोला, लल्ला बोला, लल्ला ये देखिए, ये लल्ला बोला क्योंकि पीड़ित है ये, तो पूरा सुन नहीं सकता। शुरू कर देखिए, पीड़ित व्यक्ति बोला, ये पीड़ित बोला, लल्ला बोला, लल्ला ये लल्ला बोला क्योंकि पीड़ित है ये, तो पूरा एकदम चिल्ला शुरू कर देते, क्योंकि यही सुनना देश चाहती है। ये बोल नहीं सकता ना, इनके प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, आप समझ लो अंजना, उसको नहीं रोकोगी। अब शब्दों से बचिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, आज तक का मालिकानों आप मीडिया वालों का ही हैसियत पूछ रहे हैं, पर ये उसको नहीं रोकोगी। अब शब्दों से बचिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, आज तक का मालिकानों आप मीडिया वालों का ही हैसियत पूछ रहे हैं, पर प्रताप सिंह जी आज तक का मालिकानों आप मीडिया वालों का ही हैसियत पूछ रहे हैं, पर ये भी देखिए कि आपकी हैसियत क्या तय हो रही है आपकी भाषा के जरिए। जब निष्पक्ष नहीं रहोगी तो सुनोगी, सब निष्पक्ष है, निष्पक्ष नहीं रहोगी तो सुनोगी, की जरूरत नहीं है अखिलेश प्रताप सिंह, निष्पक्ष नहीं रहोगी तो सुनोगी अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे लेक्चर की जरूरत नहीं है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, किसी पर सवाल खड़ा करके आप नहीं जरूरत नहीं है, मुद्दे मुझे पर बोलिए, लेक्चर की जरूरत नहीं है, मुझे तो बोलने नहीं दे रहे हो, मौलाना अपनी हैसियत बताओ, क्यों खड़ा करूं, क्या तरीका है ये बात करने का, कभी मना क्यों उसको, बोलूं कि वो मौलाना नहीं बोल सकते आपको, अरे जिस अरे सुनिए, मैं मेरी बात और होने दो पहले आप, नहीं सुनिए सुनिए यहाँ सुनिए, ये हंसी का पात्र, ये लल्ला बीच में फिर बोला, जब निष्पक्ष नहीं रहोगी तो सुनोगी, सब निष्पक्ष है, आपसे लेक्चर की जरूरत नहीं है अखिलेश प्रताप सिंह, निष्पक्ष नहीं रहोगी तो सुनोगी, अखिलेश प्रताप सिंह आपसे लेक्चर की जरूरत नहीं है, मुझको बोलने नहीं दिया जा रहा है, सवाल खड़ा करके आप नहीं बच सकते। शुरुआती 10 मिनट में ही संबित पात्रा ने भी गुस्सा दिखा दिया कि बीजेपी आज तक के बहस को छोड़ देगी, अखिलेश प्रताप सिंह ने भी हमारी हैसियत पूछ ली, ये बताता है कि हमारे सवालों में आज भी वो ताकत है कि बौखला जाते हैं नेता। जब निष्पक्ष नहीं रहोगी तो सुनोगी, सब निष्पक्ष है, आपसे लेक्चर की जरूरत नहीं है अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे लेक्चर की जरूरत नहीं है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेक्चर की जरूरत नहीं है। ये पीड़ित व्यक्ति बोला, ये पीड़ित बोला, लल्ला बोला, लल्ला ये देखिए, ये लल्ला बोला क्योंकि पीड़ित है ये, तो पूरा एकदम चिल्लाना शुरू, ये हंसी का पात्र, ये लल्ला बीच में फिर बोला।